सुनिए इस वक्त की बड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट किया है, युवाओं की पीड़ा से दुखी और शर्मिंदा हूं, जो वादा किया था उस पर अटल हूं। युवाओं की पीड़ा से दुखी और शर्मिंदा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो टीएस सिंहदेव ने ट्वीट किया है, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ट्वीट सामने आया है, युवाओं की पीड़ा से दुखी हूं, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का। आपको ये भी बता दें कि सीएम हाउस के सामने एक युवा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये ट्वीट प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। तो ये देखिए ट्वीट किया है, सभी बेरोजगार शिक्षा कर्मियों, विद्या मितान और प्रेरकों एवं अन्य युवाओं की पीड़ा से मैं बहुत दुखी हूं और शर्मिंदा हूं। जन घोषणा पत्र के माध्यम से जो वादा किया था आपसे, उस पर मैं आज भी अटल हूं। तो टीएस सिंहदेव ने ट्वीट किया है और कहा है कि सभी बेरोजगार शिक्षा कर्मियों, विद्या मितान, प्रेरकों एवं अन्य युवाओं की पीड़ा से मैं बहुत दुखी और शर्मिंदा हूं। जन घोषणा पत्र के माध्यम से जो वादा आपको किया था, मैं उस पर अटल हूं, यही विश्वास दिला रहा हूं कि सरकार प्रयास कर रही है, हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी रूपेश गुप्ता जी, राजधानी रायपुर से। रूपेश जी, अटल हूं, सरकार आपके साथ रहेगी, लेकिन उसके बाद भी लोगों में विश्वास कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। जी हाँ, सही कह रहे हैं आपका, और उसकी बानगी देखने को मिल रही है टीएस सिंहदेव के ट्विटर अकाउंट के नीचे जो कमेंट्स आए हैं, उसमें युवाओं ने अपनी पीड़ा जाहिर की है, जिसमें लिखा है कि धन्यवाद मंत्री जी, अगर तिथि घोषित हो जाती भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए तो हम अभ्यर्थियों को बड़ी राहत होती, क्योंकि 15,000 के करीब ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति होनी शेष है, बहुत लंबा समय 1.5 साल का वक्त बीत गया प्रक्रिया में पूरी तरह से, तो कहीं ना कहीं उनको इंतजार है। इसके अलावा बेरोजगार, कांग्रेस ने कहा था कि 25 लाख प्रदेश में बेरोजगार हैं, अब उसमें से कितनों को रोजगार दिए और बाकी जो बचे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई, तो वो चूंकि घोषणा पत्र पूरी तरह से टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने बनाया था, लिहाजा उन्होंने अपनी बात इस ट्वीट के जरिए की है। और एक बात इसमें महत्वपूर्ण है कि ये ठीक है, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो घायल हैं उनके घर वालों से बातचीत की और समझाइश भी दी और स्थिति को जाना, तो सरकार की संवेदनशीलता बयानों में तो नजर आती है, लेकिन देखना ये होगा कि जमीन पर ये संवेदनशीलता कितनी दिखती है। जो जिस युवाओं की बेरोजगारी के मसले को जो उठाया गया है इस घटना से और कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है, उस पर सरकार क्या रणनीति बनाती है, क्या करती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि रूपेश जी जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से ट्वीट किया, उस पर जिस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, उसमें कई कमेंट ये भी हैं कि पात्र आपात्र सूची को भी जल्द जारी किया जाए, फिर एसआई की 2018 की भर्ती का भी इसमें जिक्र किया गया है। और यहाँ पे वक्त बता रहे हैं टीएस सिंहदेव जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कि तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने में वक्त लग रहा है, लेकिन इनको पूरा किया जाएगा। वहीं कुछ कमेंट ये भी हैं कि आप तो सामने आ रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री सामने आकर क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। तो जिस तरह से ये जो कॉन्ट्राडिक्ट की स्थिति क्रिएट हो रही है और जिस तरह से जो विरोधाभास हम देख रहे हैं, आने वाले वक्त में सिचुएशन किस तरह की रहने वाली है? फिर देखिए, पहले तो इस पे टीएस सिंहदेव से जब बातचीत होगी तब ये पता चलेगा कि जो उनका बयान है वो सरकार का बयान है या फिर वो सरकार से अलग राय रखते हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। संवेदना के स्तर में बात की जाए तो संवेदना के स्तर पर टीएस सिंहदेव ने जो बात कही है वही बात, लेकिन सिंहदेव ने बात कही है वादा निभाने की, जबकि सरकार ये कहती आई है कि हम लगातार लोगों को रोजगार दे रहे हैं, चाहे वो नरवा गरवा स्कीम हो या फिर जो तमाम आंकड़े हैं उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जब रोजगार मिल रहा है तो पीड़ा टीएस सिंहदेव को ये हो रही है कि क्यों हम जो वादा किए थे उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो वादा आपने किया था उसको ये पूरा नहीं कर पा रही है सरकार, तो उसको लेकर के क्या रणनीति है, क्या चर्चा है, क्या इस पे इनकी राय है,
ये भी जानना बहुत जरूरी है, और मुझे उम्मीद है कि अब जब बैठक होगी मंत्रियों की तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा जिस पर डिस्कशन होगा, और इसको लेकर के ये बात सरकार को एक बात समझ में अब आनी चाहिए कि बेरोजगारों से जो वादा किया था आपको वो वादा पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो वादा किया था उसके बाद बेरोजगारों ने बड़ी संख्या में आपको वोट दिया था, युवाओं ने वोट दिया था। लेकिन इसमें ये भी देखने वाली बात होगी कि रोजगार के मायने जो सत्ता में आने के बाद होते हैं, क्या जब सत्ता में नहीं पहुंचते हैं आप विपक्ष में रहते हैं तब भी वही आपका मायने होता है? बड़ा सवाल है, क्योंकि वही अगर हम हालांकि क्योंकि अब ये प्रदेश का मामला है, लेकिन जिस तरह से अगर यही सवाल अगर केंद्र सरकार से भी अगर किया जाए रोजगार को लेकर, तो वो कोरोना का अभी एक हवाला दे देंगे, तो क्या प्रदेश के युवा इस वक्त ये नहीं समझ रहे हैं कि प्रदेश भी दोहरी मार झेल रहा है? देखिए, प्रदेश ही नहीं पूरा देश इस वक्त अर्थव्यवस्था के भयंकर गिरावट के दौर से गुजर रहा है, और उसकी वजह ये है कि सरकार का जो रेवेन्यू था वो कई टाइम कम हो गया है। सरकार को मेनली रेवेन्यू पेट्रोल के दाम से और जो हर महीने और लगातार हर रोज मिलते हैं इन सब चीजों के टैक्स से मिलता है, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, तो ऑब्वियस है कि वहां पे आपका जो इनकम है वो डाउन हो गया है। केंद्र ने आपको जीएसटी के पैसे नहीं दिए हैं, बाकी मद के पैसे देने में आनाकानी कर रही है, तो वो समस्याएं हैं। और जो इकोनॉमी की स्थिति है उस चीज को तो समझना पड़ेगा, लेकिन ये भी बात को समझना पड़ेगा कि जिसके घर में अगर रोटी नहीं है तो उसको तो ये चिंता होगी ही। युवाओं की पीड़ा एक एक दिन कितना भारी हो सकता है इसके हम कल्पना ही कर सकते हैं, कि बड़ी उम्मीदों के साथ वो पढ़ाई करते हैं, उम्मीदों के साथ ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब नौकरी ना मिले, नौकरी मिले तो सैलरी ना मिले, सैलरी मिले तो आधी मिले, तो ये पीड़ा के दौर से युवा गुजरे तो फिर वो उस देश का क्या निर्माण होगा, उस प्रदेश का क्या निर्माण होगा, क्योंकि युवा की ताकत से ही किसी समाज का निर्माण होता है। आज यहाँ पे कर रहे हैं उसी ताकत की रीढ़ तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है, वायदे कर दिए जाते हैं लेकिन उन वायदों पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसका रोना न केवल छत्तीसगढ़ के युवा बल्कि देश के हर प्रदेश के युवा यही रोना रो रहे हैं। जी, जाहिर तौर पे, और मुझको लगता है कि इस मामले में सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर हम किस तरह के रोजगार इस मौके पर मुहैया करा सकते हैं। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के दौरान करीब 5 लाख सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नाम है जो कि छत्तीसगढ़ लौटे हैं दूसरे प्रदेशों से, तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि उनको भी रोजगार मुहैया कराया जाए। ठीक है, मनरेगा चल रहा है, लेकिन मनरेगा अनलिमिटेड प्रोग्राम नहीं हो सकता है और परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है बेरोजगारी दूर करने का, ये बात भी समझनी पड़ेगी। तो सरकार का ये कहना है कि हम स्किल मैपिंग कर रहे हैं, लेकिन उस स्किल मैपिंग के बाद अब क्या कर रहे हैं? कितनी इंडस्ट्री से आपने बात की जो छत्तीसगढ़ में चलती है, जहां बाहर से और दूसरे प्रदेश से मजदूर काम करने आते हैं, आखिर में आपने उन लोगों से इतनी बातचीत की? ये बहुत बड़ा सवाल है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तमाम जो युवा हैं जो पहले से यहाँ पे परेशान हैं उनको भी आपको रोजगार देना पड़ेगा। आप किस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं ये भी बहुत बड़ा मसला है, कि आप क्या सिर्फ उनको ग्रामीण रोजगार देंगे तो क्या उसमें युवाओं की हामी है, वो चाहते हैं कि ग्रामीण रोजगार करें? शहर में रोजगार के मायने उनके लिए क्या है? शहर में वो काम करना चाहते हैं तो सरकार में शहर में क्या अवसर मयस्सर है? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार को ढूंढना चाहिए। ठीक है रुपेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त तो हमारे एक बड़ी खबर मिल रही है, हम दर्शकों को बता देते हैं, चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। तो एक और बड़ी खबर अकलतरा से मिल रही है, अकलतरा से आपको खबर बता दे